हेलो दोस्तों नमस्कार आदाब मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक बहुत बेहतरीन केस लेकर आया हूँ ये क्या केस है कैसे इसका ट्रीटमेंट किया गया है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें ये गाय है और गाय में ब्लोट है, है। टिम्पैनी है अफारा है और ये गाय उठने में असमर्थ है उठ नहीं पा रही इतना ज़्यादा इसका लोड बढ़ गया डिस्टेंडेड है एवडोमन एकदम डिस्टेंडेड है मतलब रूमन पूरा इम्पैक्ट हो गया है हम ये पूछ उठाकर भी देख रहे हैं कि इसका एन खुलने के कगार पर है एडवांस स्टेज है इसकी प्रेगनेंसी की साढ़े आठ महीने की लगभग ये प्रेग्नेंट है और ज़मीन पर सर रखा हुए है म्यूकस मेम्ब्रेन भी हम इसकी देख रहे हैं यहाँ भी इन्फेक्शन है और ये देखिए ये ये देखिए एकदम नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन इसकी नहीं है और ये बीमारी क्यों हुई है कैसे हुई है ये भी मैं पशु मालिक से सुनवाऊंगा ताकि और किसी ये सारी पूरी टीम है मैं टीम को दिखा रहा हूँ ये देखिए सुरेंद्र हैं अजय है, है अनुज है और ये आपका सुरजीत है ये गाय को उठाने की कोशिश की जा रही है पशु मालिक गाय को उठा रहा है लेकिन नहीं उठ पा रही ये राहुल है गाय को उठाने को नहीं उठ पा रहे तो इसको कैसे हंड्रेड परसेंट रिजल्ट के साथ कैसे ठीक किया जाएगा ये मिस्टर मुकेश है ये हम इन लोग को दिखाते हैं कि फील्ड में क्या समस्याएं आती हैं आप अपने पशु को कैसे इलाज कर सकते हैं कैसे इलाज कर सकते हैं ये ब्रजेश है कैसे इलाज कर सकते हैं आप तो अब मैं पशु मालिक से आपकी बात कराऊंगा पूरी तरीके से लेट सी रही है बैठ गई है खड़ी नहीं हो पा रही है और ये अब आपके सामने पशु मालिक बताएंगे को? अपना कब से हुआ है दो बजे रात के दो बजे से हुआ है दो बजे देखिए दो बजे देखिए नया भूसा थोड़ा बहुत खिलाया इसको नहीं हाँ नया भूसा खिलाया नया भूसा कितने दिन से खिला रहे थे तो एक हफ्ता हो एक हफ्ते से अब आप ही जमा ये अफारे का केस है पूरी तरीके से ये ये देखो ये ये पूरा और ये लास्ट स्टेज होती है यहाँ से पशु का बचना मुश्किल होता है जो खराब नहीं हो पा रहा अब जैसा कि पशु मालिक ने बताया कि मैंने नया भूसा ऐसे खिलाया था मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ कि नया भूसा खिलाओगे तो पशु आपका बीमार हो जाएगा नए भूसे को नहीं खिलाना ये देखिए इम्पैक्ट है रूमन एकदम इम्पैक्ट हो गया नया भूसा खिलाने से क्या होता नए भूसे की जो डाइजेस्टिबिलिटी है जो वो हजम होता है जो वो हजम होने की डाइजेस्टिविटी बहुत कम होती है जैसे ही उसको नया भूसा खिलाया जाता है दो तीन चार दिन के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है और वो गैस फॉर्मेशन कर देता है और कभी कभी बंद लग जाता है और पशु की मौत हो जाती है ये देखिए किस तरीके से पशु के पेट के अंदर से रूमन के अंदर से गैस को निकाला जाए इस पर मैं कई वीडियो डाल चुका हूं और ये फिर मैं एक वीडियो डाल रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ था केस पशु मालिक की लापरवाही से चूंकि इसको नया भूसा एकदम खिला दिया गया और नया भूसा खिलाने के बाद ये भैंस को इंपेक्शन हो गया पेट में दर्द हुआ है गैस बन गई है भैंस बैठ गाय बैठ गई है गाय खड़ी नहीं हो पा रही जैसे ही हमने इसकी गैस निकाली है गैस निकालने के बाद ये देखिए कितनी तेज़ी से गैस निकल रही है गैस निकलने के बाद मेडिसिन लगाने के बाद गाय खड़ी हो गई गाय को रिलीफ मिल गया और ये देखिए अब हम फिर जो बैठी थी तो बैठने में सही तरीके से आप डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं तो नए भूसे को कतई भी पुराना करके खिलाना है किस तरीके से पुराना करके खिलाना है ये पशुपालकों के लिए विशेष दोनों तरफ देखिए कितना ये मरना है गाय भैंस को अगर इस टाइप का अफारा हो जाता है किसी भी चीज से नहीं टूटता है इसको मरना ही मरना होता है तो हमने इसका इंटर रूमिनल सोडियम थायोसल्फेट इसी श्रीन से सोडियम थायोसल्फेट 20 ग्राम डिजॉल्व किया पानी में और वहीं रूमन के अंदर सोडियम थायोसल्फ़ेट इसके अंदर डाल दिया और सोयम सोडियम, सोडियम थायोसल्फेट डालने के बाद इसको हमने दो दो घंटे बाद दो बार तारपी का तेल ट्रपेटाइन ऑयल प्लस मस्टर्ड ऑयल के साथ मिला के दिया और ये गाय ठीक हो गई तो गाय को बीमारी किसने दी किसान ने दी नया भूसा नहीं खिलाना है अगर आपके पास नया भूसे को क्या होता है नए भूसे के साथ क्या दिक्कत होती है नए भूसे के साथ दिक्कत ये होती है कि नया भूसा पशु बहुत शौक से खाता है बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है एकदम ज्यादा कार खा लेता है ओवर ईटिंग कर लेता है जब वो भूसा अंदर जाता है तो उतनी तेजी से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ऐसे के ऐसी भूसा उसके अंदर पड़ा रहता है ये देखिए इलाज के बाद की कंडीशन देखिए ये पेट इसका नीचे आ गया बिल्कुल नॉर्मल हो गई इस टाइप के पशुओं को बचाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे सही से इलाज करेंगे ये खाने लगी और ये सोडियम थायोसल्फेट इंटर दिया ट्रपेंटॉन ऑयल दिया और इसको हमने 200 सौ कैल्शियम दिया ताकि इसकी टोनो टोनोसिटी रूमन की बढ़ जाए और हमने इसको ट्राइबी बैट दिया और ये आपके सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है और इस गाय को आपको एक संदेश है जितने भी पशुपालक हैं वो अपने नए भूसे को पुराना करने के लिए चार घंटे पहले नए भूसे को पानी में भिगोलें उसके बाद उसकी सानी करें उसके बाद उसको दें अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो फिर जाके बैठ जाएगा अब लोग कहते हैं कि मैंने तो चार, चार के चार पशुओं को नया भूसा खिलाया एक ही पशु बीमार हुआ एक पशु का अगर बीमार होना है तो वो भी नए पशु नए भूसे से हुआ है कोई जरूरी नहीं है सारे पशु बीमार हों तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने नए अपने पशु को नया भूसा खिलाने से बचें अगर आपको नया भूसा खिलाना पड़े तो उसको पानी में भिगो के चार घंटे खिलाएं या आधा नया आधा पुराना या तीन तिहाई एक, एक बड़े तीन भाग नया दो बड़े तीन भाग पुराना इस तरीके से अगर आप भूसा खिलाते हैं तो पशु बीमार नहीं पड़ेगा इस वीडियो डालने का मकसद यह था कि यह बीमारी आने वाली है इस बीमारी से कैसे आपको निजात मिले कैसे छुटकारा मिले देखिए एकदम ठीक हो गई कहीं कोई दिक्कत नहीं है यही हमारा काम है यही हमारा उद्देश्य है कि आपको हम समय रहते हुए अवगत करा दें ताकि आपका पशु बीमार ना हो बीमार हो जाता है तो पशु मुश्किल से ठीक होता है कभी कभी ठीक नहीं भी होते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस पर अगर आप काम करेंगे हमेशा तीन महीने में पशु की डिवर्मिंग कराइए पशु को नमक तीस ग्राम प्रतिदिन खिलाइए नए चारे से परहेज कीजिए एकदम नया चारा नहीं खिलाना चाहिए आप देखते रहिएगा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद